रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज है 22वां रोजा और आप सबको 22वां रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत जल्दी से ईद आने वाली है और जो रोजे रख रहे हैं उनके लिए तो ईद बहुत बड़ा तोहफा होती है। और जिस तरीके से ईद आने की खुशी हो रही है ना, उसी तरीके से ना रमजान जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि रमजान जा रहे हैं। इस रमजानों के महीने में ना पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत और इबादत करने की इतनी फुर्ती आ जाती है कि और सारे सालों से ज्यादा इस महीने में इतनी इबादत हो जाती है, इतनी बरकत हो जाती है। मतलब बहुत अफजल महीना है, इतना ज्यादा क्या ही बताए। और बस तो आज है 14 तारीख, 22वां रोजा और आज है मेरी शादी की सालगिरह, आज है मेरी एनिवर्सरी। तो आज सब लोग मुझे बहुत सारी दुआओं से नवाजे, आप सबकी सिर्फ मुझे दुआएं चाहिए बहुत सारी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जैसे कि आज है 14 तारीख और अभी 7 दिन पहले मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हमने बर्थडे भी बहुत सिंपल तरीके से मनाया था। तो एनिवर्सरी भी कोई ऐसी खास तरीके से हम नहीं मना रहे हैं, बहुत ज्यादा ताम झाप नहीं कर रहे, और इस बार हम केक भी कट नहीं कर रहे। और क्यों इस बार क्या, अब मेरा मन नहीं होता किसी भी चीज, मतलब मैं अपना बर्थडे भी और मैं अपना नहीं मनाती हूँ ना बर्थडे, तो मेरे हस्बैंड का मन नहीं होता कि वो भी अपना बर्थडे मनाए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम अभी तो खैर नहीं मना रहे, आगे अल्लाह मालिक है, अगर आगे मन हुआ तो मनाएंगे, अभी तो खैर मन नहीं होता है कि केक कटिंग वगैरह करने का। बच्चों का मन हो, बच्चों के लिए बर्थडे भी मनाते हैं, केक भी कट करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो बस आज बस हमेशा की तरह, अभी जैसे हस्बैंड ने पिछले संडे को मतलब अपने बर्थडे पे मना कर दिया था कि कुछ भी मत बनाना, बाजार चलेंगे, तो आप लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था। हम लोग मार्केट गए और कुछ भी नहीं खिल रहा था, एक भटूरा मतलब हमने इतना रोज झीक के खाया था ना, यहाँ तक भर गया था। फिर सैरी में भी ऐसा कुछ खास नहीं खिला था, तो आज मैंने मना कर दिया कि आज नहीं जाएंगे। तो बस आज मैं कुछ मीठा बनाऊंगी अफ्तार में, और बच्चे रोल की बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, तो वैसे तो चिकन के रोल बनाने की सोच रही थी बट चिकन नहीं था, तो फिर मैंने सोचा लाए मैं आलू के और मैगी के रोल बना लेती हूँ, वो भी बड़े ही मजे के लगते हैं। तो आज आपके साथ में एक मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी और एक आलूओं के रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। और जो मीठा शेयर करूंगी ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है काफी टाइम से, और मैं सोच रही थी कि रोजे निकल ना जाए और ये चीज मेरी रह ना जाए, तो आज बस वही चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चले अभी चलते हैं किचन में। और आज दोपहर में कुछ भी तैयारी नहीं करी है, बस शाम को ही कर रहा जो कुछ करा है मैंने, तो बस अभी आप लोग देखें क्या क्या वीडियो में है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाशनी, क्योंकि बगैर चाशनी के तो बनती नहीं है। और यहाँ पर मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया, इसमें मैं 2 कटोरी शक्कर डालूंगी। अब इसमें पानी शामिल कर, चले यहाँ पर हम बना लेते हैं जलेबी का बैटर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा, तो मैं 1.5 कटोरी मैदे की बनाऊंगी। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया 1.5 कटोरी मैदा, और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो दही मेरे पास खट्टा वाला है, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। नॉर्मल दही होता तो हम इसमें 1/2 कटोरी के करीब डाल देते, इसमें बस हम इतना डालेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच और दही डाल दिया, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए। अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, और वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितना हमें इसको थिक रखना है, कितना क्या रखना है। ये मेरा ना बहुत मन कर रहा था, बहुत टाइम से रमजान निकले जा रहे थे और मेरी ये रेसिपी छूट जाती ना तो मुझे बड़ा ही दुख होता, तो मैंने सोचा इसको छोड़ते नहीं है, इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको ना इतना गाढ़ा रखेंगे हम, जलेबी का बैटर ना इतना थिक होता है, बहुत पतला भी नहीं करना है हमें, और नॉर्मल जैसा हम पकौड़ियों का बनाते हैं ना वैसा भी नहीं रखना है हमें, इसको थिक रखना है, जैसा हम गुलगुलों का बनाते हैं ना उस तरीके से, गुलगुलों का भी हम थिक ही बनाते हैं। और देखिए आप, हमें इसको अब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना होगा, तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा दही।
तो चले अभी हम बनाते हैं रोल। और उसके लिए मैंने यहाँ पर मैगी ली है, क्योंकि मैगी और पोटैटो के रोल बना रहे हैं। तो ये मैगी को पहले हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। आलू दे दो। तो यहाँ पर ना मैं आलू छील रही हूँ, मैगी हमारी बॉईल हो रही है। उसके बाद हम अपने आगे की प्रोसेस करेंगे। असर की अजान हो चुकी है ये सारी चीजें करते करते। तो अभी बस आलू छीलने के बाद और मैगी को रिमूव करके और पानी डालकर उसको मैं अच्छे से रख दूंगी, थोड़ा सा ऑयल डालकर, क्योंकि ये हम उस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम चाउमीन या पास्ता वगैरह बॉईल करते हैं, बस उसी तरीके से बनाएंगे। तो ये करके फिर हम इसमें ऑयल डालकर रख देते हैं। नमाज पढ़कर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ उससे पहले हम अपने आलुओं को छील लेते हैं। ये आलू ना मैंने सुबह ही बॉईल कर रख दिए थे। आलू थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, तो अभी पहले फिलहाल मैं एक या दो आलू उठा के रख देती हूँ। और अगर कम लगेंगे तो फिर मैं ले लूंगी। और इसको मैं किसनी से अच्छे से किस लेती हूँ। आप इसको मसल भी सकते हैं, लेकिन किसनी से क्या है ना, देखें आप, एक एक दार दार। आज हमें इसी तरीके के आलू और इसके बाद अब हम ऊपर से इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। अब इसमें मैं बारीक काट कर ना प्याज शामिल कर देती हूँ। एंड इसमें मैं शामिल करूंगी नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। एंड इसमें ऐड करूंगी मैं ये ब्रेड क्रम्स। और अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने ना नीचे से उठाकर ऊपर रखा है, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड करूंगी, क्योंकि ऊपर ही ऊपर रह गया था। इसमें चाट मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। मैगी मसाले का भी बना सकते हैं। और बस मैगी को टूटने नहीं देना है, हमको इस तरीके से मिक्स करना है मैगी को। डालने से हो गया। हाँ, तो एकदम थिक होता है ना, तब जो डालो ना तब फिर गाढ़ा गाढ़ा रहता है। चलो मम्मी का कस्टर्ड हो गया रेडी, मम्मी चली बांटने। यहाँ पर जो हमने रोल बनाकर रखे थे उनके लिए हम यहाँ पर सीजलिंग बनाएंगे, जिनको डिप कर और फिर हम ब्रेड क्रम्स में लगाकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन मैंने टाइम का आज बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया था कि इतना ज्यादा टाइम हो जाएगा यहाँ पर। और फिर साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर जलेबियों के लिए बैटर तैयार करा था, और वो बहुत अच्छे से फूल गया था। उसको मैंने एक पॉलीथिन में भर दिया था, और वो पॉलीथिन मैंने, आपने देखी है किसकी ली है, तो टाइट चाहिए हमें। अगर आपके पास जिप लॉक है और बहुत अच्छी वाली क्वालिटी की है ना, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर तेल हमारा नॉर्मल गर्म था, बहुत हैवी गर्म नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। अच्छा, एक दो जलेबी तो जो है ना वो बेकार बनी जाती है, लेकिन आज फर्स्ट जलेबी मेरी बहुत अच्छी सी बनी थी। इनफैक्ट मेरी जलेबी अच्छी ही बनी थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी दो तीन जलेबी छोटी छोटी सी बन गई थी, आप देख ही लें। और फिर आगे देखिएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। आज हमारे हस्बैंड जलेबी बनाते हुए, अभी तो फिलहाल मैंने ये डाली है, आप डालना ना तब बताएंगे। और ये देखो, ये मैंने सीजलिंग तैयार करी है, इसमें डिप करेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे। आज बहुत ज्यादा लेट चिपक गई, आप तो उठा दो, उठा दो, सारी हो गई ना, सारी उठा लो जल्दी जल्दी। देखें बस इसमें हमें ऐसे डिप करना है, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। और
और इस गैस को आप मंद ही कर लें जब तक। एमी एमी आप नहीं डालो, कैमरे की वजह से मेरा हाथ जल गया। बस 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 बहुत बड़ी बड़ी बना एक कढ़ाई में भाई, दो ही दो तीन तीन बनी। मेरी कहा पांच पांच छह छह बन नहीं थी एक उसमें। ये हमारे रोल भी रेडी हो रहे हैं। चले अब थोड़ी सी अब तैयारी हम बांट देते हैं। कुछ जलेबी बनकर रेडी हो गई और ये रोल रेडी हो गए, तो मैं ये दोनों चीजें बांट देती हूँ। चलें तो अफ्तार का टाइम हो गया, दस्तरखान हमारा सज चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें आई बनी हैं, और जलेबी तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी थी। चले रोजा खोलते हैं, आप लोग भी रोजा खोलें और दुआ करें, क्योंकि रोजे से पहले जो भी दुआ मांगी जाती है वो जरूर जरूर पूरी होती है। तो गाइज रोल और जलेबी जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा मस्त बनी थी। इतनी ज्यादा मस्त कि मैं क्या बताऊं। जलेबी का मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा था, तो मैंने आज अफ्तारी में ऐसा लग रहा था इतने रोजों के बाद आज मैंने अफ्तारी पेट भरकर खाई है। तो और अफ्तारी भी बहुत सारी आ गई थी, क्योंकि जो वैसे भी रोज ही बहुत ज्यादा आती है, और आज सब कुछ बहुत अच्छा था तो मैंने आज खा लिया। या फिर ये सोच ले मैं आज बहुत खुश थी, मेरा जी बहुत अच्छा था, कुछ भी समझ लें आज बहुत ज्यादा खिल गया। अच्छे से अफ्तार हो गया हमारा, और बस थकावट हो गई क्योंकि बहुत सारे काम कर लिए। रोजा खोलने के बाद भी ना चैन नहीं मिलता एक मिनट का भी। मैं सोचती हूँ मैं एक प्रॉपर आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊ। इंशाल्लाह 6-7 रोजे रह गए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक अफ्तार के बाद का प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा जरूर कि कितने सारे काम होते हैं उसके बाद भी ना, हम लेडीज को ना बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, दिन में आप लोग एक घंटे के लिए आराम जरूर करा करें, क्योंकि बॉडी को आराम बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोगों की तबीयत जरा भी खराब हो रही है तो उसको देखें, और टाइम से सोएं और सुबह टाइम से उठें, और सुबह के फजर के बाद सो जाएं आप लोग। फिर सुबह उठने के बाद अपने सिपारे पढ़ें, फिर जो भी तिलावत करनी है वो सारी तिलावत करें। तो मेरा रूटीन अभी माशाल्लाह से सही चल रहा है। मैंने ना दोबारा दूसरा रूटीन बनाया था, वो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करा। इंशाल्लाह वो भी शेयर करना है मुझे आप लोगों के साथ में रोजे खत्म होने से पहले। एक महीने में मैंने दो रूटीन बना लिए, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी बीच में, तो मैंने सोचा ये रूटीन से मेरी तबीयत खराब हो गई तो ये वाला रूटीन बना लेते हैं। खैर, इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टा और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।